आज एमएसएमसी जैसी एक बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे पास है और विशेष रूप से आशीष जायसवाल जी ने एक मरी हुई व्यवस्था को जिंदा कर दिया। हम अगर अन्य राज्यों में देखें तो वहां की माइनिंग कॉरपोरेशंस समृद्ध है, बहुत बड़े पैमाने पर वैल्यू क्रिएट कर रही है, पैसा कमा रही है। हमारे यहां हमने इसको डंप कर दिया था। उस दृष्टि से पिछले समय आशीष जी ने पॉलिसी तैयार की, लेकिन आशीष जी आपकी सारी पॉलिसीज ये सरकार जाने से वही के वही रह गई। लेकिन आपकी पॉलिसी को भी मेरे ऊपर विश्वास था, जब मैंने कहा था मैं पुनः ये, तो आपकी पॉलिसी को भी मालूम था कि मैं ही आने वाला हूं, इसलिए बीच में आपकी पॉलिसी ने मुंह ही बाहर नहीं निकाला। अब आप चिंता मत करिए, आपने जो नई माइनिंग पॉलिसी तैयार की है वो आप कब तक सबमिट करेंगे? ऑलरेडी कर दी है हर्षदीप जी, हम जनवरी से पहले इसको कर लेंगे। 26 जनवरी बोलता हूं, बिफोर 26 जनवरी हम नई माइनिंग पॉलिसी को मान्यता देंगे। और मेरा विश्वास है कि नई माइनिंग पॉलिसी के साथ साथ अन्य भी इस सेक्टर की जो समस्याएं हैं, जैसे आपने ध्यान में लाकर दिया कि अन्य राज्यों में जो मेजर मिनरल्स माइनर मिनरल की सूची में गए उनकी लिस्ट को कंटिन्यू किया गया, अगर अन्य राज्य कंटिन्यू कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं। मैं जरूर उस संदर्भ में भी अन्य राज्यों से उन्होंने क्या किया है हमारे सचिव तुरंत मंगाएंगे और उसी तर्ज पर हम लोग इसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैंने अभी तक तो पॉलिसी देखी नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है शिवकुमार जी कि आपने कहा वैल्यू एडिशन करें और फिर बाहर जाने दें, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उसके आगे का भी काम यहां होना चाहिए, उसके एक इकोसिस्टम हमने तैयार करनी चाहिए। और जैसा आप जानते हैं कि जिस समय मैंने सुरजागढ़ में माइनिंग को परमिशन दी, मेरी पहली कंडीशन उनको यह थी कि आप यहां पर स्टील प्लांट लगाए, और उनको कौनसरी में जगह दी। अभी परसों मैंने त्रिवेणी के जो क्या नाम उनका प्रभाकरण, हाँ उनसे मैंने परसों बात की प्रभाकरण जी से, तो उन्होंने मुझे ये आश्वस्त किया है कि उनका फर्स्ट फेज ये अप्रैल तक वो पूरा करेंगे और सेकंड फेज का काम वो शुरू करेंगे। मैंने अभी अभी हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी को कहा है कि सेकंड फेज के लिए भी उनको जमीन दी जाए। गढ़चिरौली में अगर वहां पर इतना रिच आयरन ओर होता है तो हम गढ़चिरौली का उपयोग कॉलोनी जैसा नहीं करने देंगे कि वहां से सारा माल बाहर निकले, वहां के लोग तकलीफ सहन करें और वहां कोई प्रोडक्शन न हो और वहां कोई एम्प्लॉयमेंट न हो, ये नहीं सहन होगा। गढ़चिरौली में ही इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाना ही होगा, ये हमारी कंडीशन है, और उसमें जो अड़चने वो अड़चने हम दूर करेंगे। फिर गढ़चिरौली के बाद उनको और कहीं लगाना है विदर्भ में तो जरूर लगाए। और इसी प्रकार से जो मिनरल्स हमारे पास उपलब्ध है उसके ऊपर आधारित जो भी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के लिए जिस प्रकार के कंसेशंस आपको चाहिए आप जरूर उसका एक खाका तैयार करके हमको दीजिए। निश्चित रूप से वो सारे कंसेशन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से चर्चा करके मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बस मेरी एक ही आपसे विनती है, ठीक है, हम लोग तो कोई फील्ड के लोग नहीं है, तो पिछले समय आप सब लोगों ने मिलकर हमको कहा कि विदर्भ में डिफरेंशियल टैरिफ होना चाहिए, हमने लड़ झगड़ के डिफरेंशियल टैरिफ लाया, लेकिन कुछ लोगों ने उसका गलत फायदा भी लिया। और आपको पता है कि कुछ लोगों ने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का नाम बदल किया, और उसमें निश्चित रूप से केवल उनका दोष नहीं है, कुछ हमारे लोग भी उसमें शामिल थे,
और नाम बदल के नई इंडस्ट्री दिखा के उन्होंने, अगर इस प्रकार से हम सब्सिडीज देंगे और उसमें कोई नया इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगा और वही लोग नाम बदल बदल के अगर काम करेंगे, नया आया नहीं ऐसा मेरा कहना है, बहुत बड़े पैमाने पर आए, लेकिन ये कुछ लोगों ने जो बदमाशी की उसके कारण पिछली सरकार को एक रास्ता ही मिल गया उसको बंद करने का, वो तो चाहते ही नहीं थे, तो उन्होंने उसको किस प्रकार से स्ट्रक्चर कर दिया हम सब लोग जानते। अब जो भी चीज आप तैयार करके दीजिए, मैं तो आपने जो तैयार करके दिया मैं आंख मूंद कर उसको आगे ले जाता हूं, तब आप ये ध्यान में रखिए कि यू आर वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज स्टेट, यू आर वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एट लार्ज, और इसका विचार करके कोई भी पॉलिसी गलत तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं होगी। पॉलिसी बनेगी तो उसमें चेक एंड बैलेंसेस होंगे, पॉलिसी बनेगी तो उसमें उद्योग बढ़ना चाहिए, पॉलिसी बनेगी तो रोजगार का निर्माण होना चाहिए, नए रोजगार का सृजन न करने वाली पॉलिसी कोई मतलब नहीं रखती है। ये सारी चीजें ध्यान में रखकर अगर आप पॉलिसी देते तो माइनिंग इंडस्ट्री के लिए आपकी न्यू माइनिंग पॉलिसी के साथ साथ जो भी वाजिब, वाजिब शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी वाजिब कंसेशन आप मांगेंगे उसको देने का काम हमारी सरकार निश्चित रूप से करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हमारे यहां पर कुछ सालों तक थी और जो पिछले 20-25 सालों में विशेष रूप से समाप्त हुई, कोई छत्तीसगढ़ चली गई, कहीं खत्म हो गई, ये सारी इकोसिस्टम को हम वापस तैयार करें। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक वेंडर बेस जो है वो केवल ऑब्लिगेशन के लिए तैयार ना हो तो एक बड़ा वेंडर बेस तैयार हो, उस दृष्टि से भी आपको जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए उन व्यवस्थाओं को भी तैयार करने का काम हम करेंगे। जैसे आशीष जी ने कहा, आपने पिछले 5 सालों में देखा विदर्भ के लिए, मराठवाड़ा के लिए, पिछड़े इलाकों के लिए जो जो मांगा हमने दिया, और वापस हमारी ये तैयारी है जो जो आप मांगोगे हम देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट भी आना चाहिए, रिजल्ट नहीं आया तो जिम्मेदार भी आपको मानेंगे। तो उस दृष्टि से पारेख जी, उस दृष्टि से आपको सबको, मुझे ऐसा लगता है कि फिर एक बार अपना विचार करने वाली सरकार आई है, ये ध्यान में रखते हुए जितनी तेजी के साथ आप इसमें पहल करेंगे, और आज तो मिनकॉन हो रहा है नॉट जस्ट इन द माइनिंग इंडस्ट्री बट इंडस्ट्री सारी जो अलग अलग हमारी है वो सारी इंडस्ट्री का विचार करते हुए हम लोग आने वाले दिनों में हमारी पॉलिसीज को तैयार करें। और विशेष रूप से मैं ये कहता हूं कि अभी नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे डेवलप होने के बाद इतने बड़े पैमाने पर लोगों का इंटरेस्ट जागृत हो रहा है, और मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं कि अगले 3 सालों में हम लोग जो सपना लेकर घूमते थे लॉजिस्टिक्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, अगले 3 सालों में ऑल द मेजर लॉजिस्टिक प्लेयर्स विल बी लोकेटेड अराउंड ये हमारा जो कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे है, समृद्धि बाला साहब ठाकरे एक्सप्रेस वे है, और उसमें विशेष रूप से नागपुर, वर्धा या ये जो सारा हमारा इलाका है यहां पर लोग आने वाले हैं। तो उस दृष्टि से भी हम लोग तैयारी करें ताकि उसका इकोसिस्टम तैयार हो और आने वाले लोगों को हम लोग निश्चित रूप से कोई ना कोई सुविधाएं दे सके ताकि ये जो व्यवहार है ये बड़े पैमाने पर बढ़े।